नहीं आती है इनको कि किसी भी तरह से बस जो देखो, है वो देखो तुमको अच्छा ये बताओ गौरव तुम मुझे ये बताओ तुम्हें इन सब चीजों से ताज्जुब क्यों हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ देखो 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 बड़ी मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ। आपने एक संविधान लिया जो कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 का था जो अंग्रेजों ने अपने हित के लिए बनाया था। आपने एक तंत्र जो है ना ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत लिया जिसमें अंग्रेजों ने जहां लाइन खींची थी उसमें आपका डिवीजन हो गया। अंग्रेजों की साजिश के तहत ही आपने जो है ना कश्मीर पाकिस्तान कश्मीर बनने दिया। उस साजिश में आपके नेहरू से लेके हर कोई हिस्सा बने। आपके साथ इतनी चीटिंग हुई कि संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध आर्टिकल 35A बिना जो है ना पार्लियामेंट में जाए जो है वो पार्लियामेंट का उसका जो है आपके संविधान का हिस्सा बन गया राइट। आर्मी आपकी कह रही है कि हमें 3 दिन का समय दो हम जो है कश्मीर को पूरा जीत लेंगे। तो उसमें दुष्टता इतनी है कि देश का प्रधानमंत्री ये बातें पार्लियामेंट या कैबिनेट में चर्चा करने की बजाय ऑल इंडिया रेडियो में जाता है और वहां युद्ध विराम की घोषणा करता है। और जब जो है राजा हरि सिंह ने ऑलरेडी एक्सेशन सर्टिफिकेट और एग्रीमेंट साइन किया हुआ था तो प्लेबिसाइट की बात करता है। करेक्ट, क्योंकि माउंटबेटन ने ऐसा कहा करने के लिए। तो आपको वही नियम कानून वही एक्ट वही तंत्र मिला है जो शोषण के लिए बनाया है। उस तंत्र की कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो निर्णय ना ले तो जिम्मेवार नहीं, निर्णय विलंब से ले तो जिम्मेवार नहीं, निर्णय गलत ले तो जिम्मेवार नहीं। आपकी स्थिति एक तरबूज की हो गई है। हाँ, तरबूज के ऊपर छुरी गिरे तो भी तरबूज को कटना है राइट, और छुरी पे तरबूज गिरे तो भी तरबूज को कटना है। और अकेला कटने से मतलब नहीं है, यहाँ आपको ह्यूमिलिएट किया जाता है, आपको चोर कहा जाता है। अरे भाई आपके टैक्स से जो है ना ये देश चल रहा है तो भैया आप चोर कैसे हो गए राइट। और दूसरी बात है कि हम एक ऐसा गवर्नेंस लाए ना जिससे कि हम तो ये कह रहे हैं टैक्सेशन कोई हम 5% ले आएंगे। मैथिली शरण गुप्त इज सेइंग कि ऑन हिज ऑन स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ से, सरकार के पास हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे, मैं अपनी स्ट्रेंथ से 3 साल में भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने का कॉन्सेप्ट प्लान मेरे पास है, वो भी अपनी औकात पर, सरकार की औकात पर नहीं। क्योंकि सरकार तो ऐसा करेगी नहीं, सरकार तो दिखाने के लिए जरूर करेगी जिससे वोट मिले। वही तंत्र रहेगा, वही शोषण रहेगा, हर स्कीम में जो है ना हर किसी को पैसा चाहिए, बंदर वेट बांट चाहिए। आज आप मैं कुछ ठेकेदारों से बात कर रहा था, उनका कहना था साहब 40% तो जो है ठेका देने के पहले ही जमा करना पड़ता है। फिर बोले जो है ये तुम पुरानी बात बताता हूँ सर, एक इंदौर के अंदर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मैंने प्लान किया, मेरे पास कई लोगों की रिक्वेस्ट आई कि आप इसको मैनेज करो। तो मैंने कहा यार मैं कलेक्टर ऑफिस या किसी कार्यालय के बाहर जाके तो धरने देने वाला इंसान नहीं है, तो आप जानते हो सर। मुझे है ना सीएम ऑफिस से फोन आता है कि आप है ना इसको बंद कर दो तत्काल। सीएम ऑफिस को आपके प्रोजेक्ट से और बंद करने से क्या मतलब है, और सीएम ऑफिस को आपका फोन नंबर कैसे मिला? नहीं क्योंकि उनको ये समझ, क्योंकि ये सर है ना कैसा होता है जब अपन कोई वॉइस क्लिपिंग बनाते हैं और अपने साथ के लोग जैसे अभी ग्रुप में शेयर होगी ना, जैसे पेरेंट्स के एसोसिएशन में शेयर हुई तो उन्होंने बोला कि यार ये तंते के चला रहा है। अभी सर मैंने क्या कहा था उन लोगों को कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर हर पेरेंट्स फैक्ट्स को 10-10 मिनट की क्लिपिंग में रखता है तो आपको कौन रोकेगा? मैंने कहा आपको चीफ मिनिस्टर आके रोक सकता है, कोई मिनिस्टर रोक सकता है, आप चलने दो। तो वहां से फोन आता है कि यार आप ये शुरुआत करोगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, मतलब ये कोई तरीका नहीं है। फिर मुझे कुछ और भी लोगों का फोन आया, बोले यार गौरव ये है गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा यार काम ही नहीं हो रहा। ये यदि गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट ना होके काले अंग्रेजों की गवर्नमेंट है, यदि ये भ्रष्टाचार करके अपने तंत्र का दुरुपयोग करके अपने लिए पैसा बना रही है और यदि ये पैसा बना के स्विस बैंकों में भेजा जा रहा है तो हमें दूसरी आजादी के लिए लड़ाई करना ही होगी। नहीं अब सर है ना, अब सर सिचुएशन ये है, जिस बंदे ने मेरे को फोन लगाया नीरज शर्मा ने, वो बोला कि करो भैया कितनी टाइट फील्डिंग करते हैं। मैंने कहा यार एक बात बताऊं, अपन ना नॉन पॉलिटिकल वो करेंगे, अपन पॉलिटिकल एजुकेशन करना ही नहीं चाहते। मैंने कहा अपन नॉन पॉलिटिकल एजुकेशन करेंगे पर अपन उसके लिए आप ग्राउंड लेवल पे इतनी तैयारी कर लो कि जब अपन करें उसकी शुरुआत तो वो माहौल। देखिए मेरा इसमें अपने विचार दूं? हाँ सर।
देखिए जब पहले हम करते थे तो हम वो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध करते थे, ठीक है ना। अब तो आपके वोटों से चुनी हुई सरकार है, तो हमें जो है ग्राउंड पर ना तो एजिटेशन करना चाहिए, ना हमें जुलूस निकालना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे, आपके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिए जाएंगे, आपको जेल में भर दिया जाएगा। स्थिति खराब होगी तो गोली चलाएगी, जिसमें मालूम नहीं आप आपके कौन से साथी ऊपर पहुंच जाए, उसकी कोई भरोसा नहीं, राइट। करेक्ट। और आप जो है परिवार के एक बिगड़ल बच्चे माने जाएंगे। करेक्ट। तो बिगड़ल बच्चे को क्या करते हैं माँ बाप, चोर से थप्पड़ लगाते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। कोई आपके साथ होगा तो फिर आप कहेंगे कि साहब हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो हमने एक उसका बड़ा साधारण सा रिस्पॉन्स खोजा है कि चूंकि क्राइम फ्री भारत चैलेंज कर रहा है सरकार को कि कानून में तो व्यवस्था है, एक कंप्लायंस तंत्र ना होने के कारण आप मनमर्जी कर रहे हैं। देखिए संविधान में तो यहां तक व्यवस्था है कि हर महीने गवर्नर को एक रिपोर्ट भेजना पड़ती है प्रेसिडेंट के पास कि सरकार की व्यवस्थाएं संवैधानिक मशीनरी के अनुकूल चल रही हैं, और यदि वो संवैधानिक मशीनरी के अनुकूल नहीं चल रही है तो उसे डिसमिस करने का आर्टिकल 356 में प्रावधान है, राइट। अब आप ये बताइए कि आपके अधिकांश केसेस में थाने पे आवेदन ले लेते हैं, आवेदन लेने का तो कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये देखिए ये दो भागों में है, या तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो 154 में आप FIR दर्ज करो, या हमारी बात यदि नॉन कॉग्निजेबल है तो आप नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिख के मुझे अदालत जाने के लिए कहो। ये आवेदन पत्र लेने का किसने दिया है, ये आवेदन पत्र के जांच का तो आपको पावर नहीं, आपको इन्वेस्टिगेशन का पावर है सर। पर हास्यास्पद ये है, मैं 250 पेरेंट्स के साथ जब राउत थाने पे गया तो उन्होंने मुझसे कागज पे आवेदन लिया, सादे कागज पे, और मैंने कहा कि भाई हमारे पास क्या पावती है, तो एक सील जो होती है ना थाने की, वो उसके ऊपर लगा के मुझे दे दी, और सर कोई जांच नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कायम नहीं, बोले बोले चलता है ये वास्तविकता नहीं, 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 नहीं। देखिए 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 देखो ये जो तंत्र है ये आपकी सेवा के लिए नहीं बना है, राइट। 70 साल के अनुभव से इन्होंने और भी अच्छी अच्छी चीजें ईजाद कर ली है, राइट। पहले आप जाते थे तो कम से कम आपको 154 की रिपोर्ट दे देते थे, राइट। आपसे आवेदन के लिए नहीं कहा जाता था, ठीक है ना। अब देखिए पुलिस विभाग में जो सबसे ज्यादा पावर है वो थानेदार के पास है, ठीक है ना। और जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें कानून ने एक सेक्शन 36 है, नोट करो इसको, सेक्शन 36 CRPC, वो ये सेक्शन 36 CRPC के तहत पुलिस विभाग का हर वरिष्ठ अधिकारी वो पावर प्राप्त करता है SHO की। तो जब पुलिस विभाग को ही दो पावर है, एक कॉग्निजेबल का और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखने का, तो इतना बड़ा शिकायत डिपार्टमेंट जिसका आप DG कंप्लेंट भी होने लगा है, क्या ये पूरा विभाग ही इलीगल नहीं है। तो आप कहेंगे कि साहब थानेदार ने यदि FIR दर्ज नहीं की तो उसकी फिर क्या करेंगे, तो उसके लिए विजिलेंस होना चाहिए ना, क्योंकि जो है जो भी व्यक्ति आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है, चाहे वो SHO हो, चाहे वो SP हो, चाहे वो DIG हो, चाहे वो IG हो, चाहे वो डायरेक्टली अंडर हिज ओन पावर 154(1) में या 154(3) में या 36 CRPC में, सबका एक ही काम है कि संज्ञेय हो तो आपकी FIR लिख जाए, और यदि असंज्ञेय है तो आपकी NCR की रिपोर्ट लिख जाए, नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट। और यदि ये नहीं लिखा जा रहा है तो ये विजिलेंस का कारण है, ये कंप्लेंट तो फिर वो उसी के विरुद्ध कर रहा है जो वो कंटेंट बता रहा है। अभी तो वो तो जो है ना अपराध दर्ज करके जो है ना जांच होना चाहिए, राइट। तो अब अभी जो जो है वो क्या होना चाहिए, दैट इज द विजिलेंस कि थाना प्रभारी ने FIR क्यों दर्ज नहीं की, तो इस एंगल पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है, और ऐसे इस एंगल पे सरकार भी काम नहीं चाहती है, सरकार भी आंकड़े छिपाना चाहती है। अब आप ये बताइए जो लोग ये आपको SMS भेजते हैं, मेल भेजते हैं, जिसके माध्यम से ये साइबर क्राइम करते हैं, ये करोड़ों की संख्या में भेजे जा रहे हैं, क्या हर SMS एक अपराध का अटेम्प्ट नहीं है, हर SMS? तो अटेम्प्ट ऑफ दैट क्राइम इज ए क्राइम अंडर द IPC और नॉट, करेक्ट। तो करोड़ों अपराध कायम होना चाहिए, हाँ, पर नहीं हो रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं,
नहीं वो फिर सर वो कहते हैं ना हमारे पास मैन पावर नहीं है सफिशियंट वो मैन पावर इज नॉट योर प्रॉब्लम वो आप सरकार से मांगिए हमारे साथ अपराध हुआ है ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना मतलब इट इज माई जैसे मिनट देखिए हमारे साथ अपराध हुआ है तो इट इज ए लीगल क्राइम यू आर लीगली बाउंड टू रजिस्टर इट अब यदि आपके पास स्टाफ है कि नहीं है आपके आप निकम्मे हैं आपके पास ज्ञान नहीं है आपके पास इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटेजी नहीं है या जो 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 आपका ISP है या TSP है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वो जो है ना डाटा कैप्चर नहीं कर रहा है तो उसके यदि आपको टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना है वो करिए आप यदि आपको TSP से कुछ एग्रीमेंट रिवाइज करना है तो वो करिए आप उनको अपने रिक्विजिशन चेंज करना है वो चेंज करिए आप यदि आपको CCTV और IoT डिवाइस लगाए तो वो आप लगाइए आप अपने पुलिस को ट्रेन करिए ये देखिए दिस इज योर प्रॉब्लम हमारी रिपोर्ट लिखना आप जो है संविधान की Schedule 7 में List 2 में Entry 2 के तहत राज्य सरकार की जिम्मेवारी है अब यदि 80-90% केसेस में FIR लिखनी जा रही है क्योंकि अटेम्प्ट ऑफ क्राइम इज ऑल्सो क्राइम राइट एज पर द डेफिनेशन गिवन इन द IPC तो आपको जो है ना वो सब क्राइम हो गए हैं तो यदि आप 80-90% केसेस में FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं तो जो संविधान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकार के ऊपर दी है वो फेल हो गई कि नहीं हो गई हो गई सर बिल्कुल तो इज इट नॉट ए फेलोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी करेक्ट क्या इसकी पूरे डाटा कलेक्ट करके जो है गवर्नर को भेजना है गवर्नर जो है ना उसको प्रेसिडेंट को भेजे कि सरकार को डिसमिस करो तो सर मैं कुछ कहूँ सर यहाँ पे नहीं अभी सर, कुछ मत करो आप मैं ये कह रहा हूँ कि इज इट नॉट योर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इट इज नॉट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यदि ये डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी होती तो जो है ना सरकार के पास ऑप्शन होता इसमें ऑप्शन नहीं है और आप तो पुलिस को सुधारना ही नहीं चाह रहे आप तो उसको इनेबल ही नहीं करना चाह रहे हो ये दुष्ट प्राइवेसी के नाम पर अरे भाई जो आपकी प्राइवेसी वायलेट करो नियम बना पते हम जेल भेजेंगे बराबर आप प्राइवेसी के नाम पर जो है ना ऐसे नियम कानून क्यों बना रहे हैं जिससे अपराधियों को फायदा मिले नहीं सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर गौरव चंदक का